कोर्स, बट आई विल ऐड इट, नो वरीज। मैं एफ टी डी को ऐड कर देता हूँ इसमें। हेयर आई विल ऐड एफ टी डी। ओके, तो अब हमारा फॉर्मेट इस तरह से है कि सबसे पहले हमने टनलिंग टेक्नोलॉजी को थियोरेटिकली स्टडी करना है और इसकी लैब्स करनी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड टनलिंग फर्स्ट। ऑब्वियसली जब आप सिर्फ टनलिंग कर रहे होंगे तो उसमें प्राइवेसी नहीं होगी, सिर्फ कनेक्टिविटी मिलेगी। उस कनेक्टिविटी में प्राइवेसी ऐड हम बाद में कर देंगे, जो कि हमारा सेकेंड फेज होगा। और फिर इन दोनों चीजों की कंबाइन अंडरस्टैंडिंग के बाद हम सिस्को के जो VPNs हैं, जो सिस्को की VPN रेसिपीज हैं, लाइक DMVPN, FlexVPN, GetVPN, AnyConnectVPN, हम उन रेसिपीज को फिर लेकर के आगे बढ़ेंगे और उनमें देखेंगे कि टनलिंग कैसे हो रही है, उन रेसिपीज में इंक्रिप्शन हैशिंग वगैरह कैसे हो रही है। सो दिस इज हाउ वी विल मूव ऑन। सो टनलिंग हमने देख लिया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पैकेट इन अनदर पैकेट। अच्छा, टनलिंग जो है इसके कई और फवायद हैं। टनलिंग का फायदा सिर्फ इसका जो यूज है वो सिर्फ VPN में नहीं है। टनलिंग अलोन कैन सॉल्व मेनी अदर नेटवर्किंग चैलेंजेस। सो यहां पे एक और बात डिस्कस करते चलें और वो है अंडरले और ओवरले की। अंडरले टनल्स और ओवरले टनल्स। देखिए, मेरे पास है राउटर वन एंड राउटर टू। आई कनेक्ट दीज राउटर्स with my ISP router. So ये दरमियान में हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नेटवर्क है। इट मे बी वन सर्विस प्रोवाइडर ऑन बोथ एंड्स और डिफरेंट, रिगार्डलेस हम क्या करने जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान टनल क्रिएट करने जा रहे हैं। Whereas, जब आप कनेक्टिविटी लेते हैं फ्रॉम योर सर्विस प्रोवाइडर, तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी अपने इन राउटर्स के दरमियान कोई टनलिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो सकता है। फ्रॉम दिस पॉइंट अंडरनीथ भी कोई टनलिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो सकती है। हमारे लिए वो रिगार्डलेस है। उस टनलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन मिलती है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। दिस टेक्नोलॉजी समवेयर विद इन द नेटवर्क ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज कॉल्ड अंडरले। यानी सर्विस प्रोवाइडर के राउटर से, प्रोवाइडर के एज से लेकर प्रोवाइडर के एज तक, दिस इज अंडरले। और जो कस्टमर का एज है, यानी कस्टमर का पीछे पूरा का पूरा नेटवर्क है और ये उसका किनारा है, कस्टमर एज। कस्टमर एज से कस्टमर एज तक जो टनलिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड ओवरले। ओवरले टनल का आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अंडरले टनल का कस्टमर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारा सारा का सारा कोर्स जो है वो ओवरले टेक्नोलॉजीज के हवाले से है। अंडरले टेक्नोलॉजी के अंदर जो मेनली टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट इज MPLS। सो MPLS के अंदर वी हैव different variations of connectivities, so ye underlay hai. People in MPLS world call it VPN, but I leave it to you ke isko hame VPN kehna chahiye ya nahi. Iske andar layer 2 aur layer 3 ke variations hain, but this
provides you with connectivity only. Any information which is moving here is readable. तो अगर आपसे सर्विस प्रोवाइडर ये कहे कि मैं जो आपको कनेक्टिविटी दे रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो ऑलरेडी मैं अपने यहाँ वीपीएन के जरिए दे रहा हूँ, मैं MPLS VPN बना रहा हूँ अंडरले, तो क्या आपको इस चीज के ऊपर इत्मीनान हो जाना चाहिए कि मैन इन द मिडल अटैक नहीं होगा? दिस इज रियली अप टू यू. यूजली आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं दे क्रिएट MPLS VPNs विदाउट एनी प्राइवेसी. दे डू नॉट ब्लेंड IPsec और एनी सिक्योरिटी फीचर सेट अलॉन्ग विद VPN tunnels. दे जस्ट क्रिएट कनेक्टिविटी, दैट इज इट. दैट इज why दे आर MPLS VNs, virtual networks, not PNs. लेकिन ये एक आप कह लीजिए डी फैक्टो एक इख्तरा बन गई है मार्केट की, कि इस अंडरले में भी जो कनेक्टिविटीज की जाती हैं उनको लोग VPN ही कह देते हैं. बट दिस इज अ डी फैक्टो थिंग, बस एक बन गया है ये एक इख्तरा, बट दिस हैज नो प्राइवेसी इन इट. ओवरले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम अपने कस्टमर एज से कस्टमर एज के दरमियान बनाएंगे, दीज ओवरलेज विल बी ट्रू VPNs. इनके अंदर वर्चुअल नेटवर्किंग के एस्पेक्ट भी होंगे और प्राइवेसी भी होगी. सो यू विल बी हैविंग पीस ऑफ माइंड कि आप का डेटा जो है वो रास्ते में कोई रीड या मॉडिफाई नहीं कर सकेगा. दैट इज द रीजन कि जब बैंक्स कनेक्ट करते हैं ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जो उनको MPLS VPN दे रहे होते हैं, तो वो उसके ऊपर, उस अंडरले के ऊपर अपना ओवरले जरूर बनाते हैं. वो उस अंडरले पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये जो अंडरले जिसको वो VPN कह रहे हैं, ये है नहीं असल में VPN. दिस इज जस्ट अ कनेक्टिविटी रेसिपी. इसको कोई भी हमारे डेटा को इसमें खोल के पढ़ सकता है. सो दे रिलाय ऑन ओवरले. तो जो ट्रू सिक्योरिटी आपको मिलती है वो ओवरले में मिलती है. तो हमारी जो टनलिंग है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ओवरले टनलिंग है on top of that MPLS circuit, if one is configured underneath. So, जो tunneling हम पढ़ने जा रहे हैं, which is an overlay tunneling, इसका virtual connectivity provide करना तो मकसद है ही है, but इसके और भी मकासद हैं. It can be used to run unsupported protocols. ये भी इसका एक use case है. It can be used to send unsupported protocols across diverse networks. ये क्या use case है unsupported protocols वाला? ये use case इस तरह से है. कि हमारा जो internet है इस वक्त, this is purely IPv4 based, और कुछ IPv6 भी enable किया जा रहा है, but इस चीज की कोई guarantee नहीं है कि आप एक point से शुरू करें और दूसरे point तक आए तो आपको अंदर बिल्कुल through V6 path मिलेगा. इस चीज की कोई guarantee नहीं है. हाँ, आपको V4 path जरूर मिलेगा, इस चीज की guarantee है. तो मैं अभी इंटरनेट को एक V4 नेटवर्क तस्वर कर लेता हूं. इसका मतलब यह है कि इंटरनेट में जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क है और इसने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर से अगर आपको गुजरना है तो आपके पैकेट की शक्ल और हुईयत IPv4 से मिलती जुलती होनी चाहिए, तो आप गुजर जाएंगे, वरना आप नहीं गुजरेंगे. वॉट इफ आपके यहां IPX चल रहा है? What if आपके यहां Apple Talk चल रहा है? What if आपके यहां IPv6 चल रहा है?
ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अभी इस इंटरनेट के ऊपर से एंड टू एंड तो नहीं गुजर सकते, तो इनको अगर आपने इंटरनेट वर्ल्ड के जरिए कनेक्ट करना है आपस में तो भी टनलिंग इस्तेमाल की जा सकती है। टनलिंग अलोन हैज यूज केसेस। सो आप IPv6 को IPv6 के जरिए कनेक्ट, IPv6 के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं नीचे एक V4 नेटवर्क रखते हुए, तो मुमकिन है। दिस इज वन यूज केस ऑफ टनलिंग। आप एप्पल टॉक को दो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको IPv4 के पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट करके कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस IP पैकेट, हम यहां पे दरमियान में एप्पल टॉक का पैकेट रख सकते हैं। वी कैन हैव अ डिफरेंट ऑल टूगेदर प्रोटोकॉल encapsulated within IP. We can have IPX, we can have Apple Talk, etc. So outer header तो V4 ही रहेगा, but inner header जरूरी नहीं है कि वो V4 का ही हो. So unsupported protocols को कभी carry करना पड़ जाता है, तो we can use tunneling for that also. Tunneling adds to the packet size, resulting in less data being sent per packet. So this will be having an impact on bandwidth. What impact? Technology to technology discuss करेंगे. IP tunnels use की जाती हैं to disjoint IP networks को आपस में connect करने के लिए भी, जिसकी example हमने अभी देखी थी। अगर हमारे पास एक तरफ V4 और दूसरी तरफ V4 है और दरमियान में भी V4 इंटरनेट है, तो इनको तो वैसे ही कम्युनिकेट कर जाना चाहिए, इसके लिए टनलिंग की क्या जरूरत। बट हमने देखा कि यहाँ पे प्राइवेट IP था, तो प्राइवेट IPs तो इस इंटरनेट से नहीं गुजर सकते, V4 ही है एंड टू एंड, बट वो V4 नहीं गुजर सकता V4 में से। सो यहां भी टनलिंग का यूज केस है। सो टनलिंग में क्या हो रहा है कि आउटर हेडर प्रोसेस किया जा रहा है रास्ते में ट्रांजिट डिवाइसेस के ऊपर, और जो IP का आउटर हेडर है उसका सोर्स और डेस्टिनेशन IP जो है, विच इज कॉल्ड टनल स्टार्ट पॉइंट एंड टनल एंड पॉइंट, वो उन डिवाइसेस का है जिनसे ट्रैफिक ओरिजिनेट होती है। एनीवे ट्रांजिट डिवाइसेस जो है वो सिर्फ सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP को प्रोसेस करती है। अब ये जो टनलिंग का पैकेट है इसकी तो बहुत सारी फॉर्म्स बन सकती हैं। आउटर हेडर है और इनर हेडर है, इसके कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जिस तरह आउटर V4 है इनर IPX है, आउटर V4 है इनर एप्पल टॉक है, आउटर V4 है इनर डेकनेट है, आउटर V4 है इनर भी V4 है, आउटर V4 है इनर V6 है, ये भी हो सकता है। सो हमने प्राइमरीली जो टनल्स पढ़नी है वो IP इन IP टनल्स हैं, यानी हम IP पैकेट को ही IP पैकेट में इनकैप्सुलेट करेंगे इस कोर्स में। वी आर लीस्ट कंसर्न्ड विद इनकैप्सुलेटिंग IPX और एप्पल टॉक इन IP। हमारा बाहर का हेडर भी IP का होगा, अंदर का हेडर भी IP का होगा, लेकिन उसके वेरियंट्स कई आ सकते हैं, आउटर हेडर V4, इनर हेडर V4, आउटर हेडर V4, इनर V6, आउटर V6, इनर V6, एंड वी कैन ऑल्सो हैव बाहर भी V6 और अंदर भी V6। तो हमारी जो टनल की वेरिएशंस हैं वो ये हैं जिनको हमने कन्फिगर करना है, V4 टू V4, V4 टू V6, V6 टू V4, एटसेट्रा। So, इस बात को यहां से आगे अब हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। हम बात करेंगे कि पैसेंजर प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, कैरियर किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। दैट इज इट।